आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मर्मेड गाउन की कटिंग और स्टिचिंग लाई हूँ, जिसे फिश कट भी कहा जाता है। तो ये आज मैं बच्चों के लिए स्पेशली बनाई हूँ, इसे आप बड़े साइज़ के लिए भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो है फैब्रिक थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो आप जिस भी फैब्रिक पे बनाएं आपकी पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले यहाँ तो मेरा पना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 मीटर के करीब करीब फैब्रिक ली हूँ, जिसे 4 फोल्ड करके मैं अच्छे से अपने बेबी का गाउन बना सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल लेंथ मेरी 35 आ रही है फैब्रिक की। ये 1 मीटर से भी थोड़ा कम ही है, पूरा 1 मीटर भी नहीं है। तो चलिए अब इसे मैं इस तरह डबल फोल्ड कर लेती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद में मुझे अब इसे 4 फोल्ड करना है। अगर आपका फैब्रिक जो है उसका पना इतना ज़्यादा ना हो तो आप इसे 2 मीटर फैब्रिक में भी बना सकते हैं, आपके बच्चों के हिसाब से या आपकी हाइट के हिसाब से आप बनाएं, तो फैब्रिक उसी हिसाब से ले। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं मर्मेड गाउन की जो है पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर जो है मेरे बेबी का वो 11 इंच है, तो उसका हाफ़ हम लेंगे शोल्डर के लिए, यानी कि 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच पे पहले मैं यहाँ मार्किंग कर लूँगी ऊपर। जिस तरह आप सिंपल कुर्ते की कटिंग करते हैं, ऊपर से बिल्कुल सिंपल ही है, बस नीचे में थोड़ा इसका जो है कटिंग का तरीका चेंज हो जाएगा। तो शोल्डर हमने 5.5 लिया है, आर्म होल भी हम 5.5 ही लेंगे। आर्म होल की लेंथ जो होंगी हमारी, और उसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल कुर्ते की कटिंग आप जिस तरह करते हैं ऊपर से बिल्कुल उसी तरह आपको कटिंग करनी है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर हमारे जो है चेस्ट का साइज़ आएगा हमारा 24, उसको मैं हाफ़ करूँगी और फिर एक बार और फोल्ड करूँगी टेप को, तो 4th पार्ट हमारा जो है मिल जाएगा यहाँ पर 6 इंच। तो पहले हम 6 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हमारी सिलाई के लिए। सिलाई मार्जिन हम 2 इंच ले रहे हैं, ताकि बच्चे जो है कभी हो सकता है आपके फिट हो जाए, कभी लूज़ हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा लीजिए, ताकि उसे लूज टाइट करके आप उसे लॉन्ग टाइम पिना सके। अब यहाँ पर जो है कर्व लाइन बना लेंगे, कर्व शेप बनाएंगे हम आर्म होल के लिए, और एक्स्ट्रा कर्व शेप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट के लिए हो गया। अब उससे 9 इंच, 9 से 10 इंच आप नीचे लीजिए वेस्ट साइज़ के लिए। ये मैं 4 से 6 साल के बच्चों के लिए बता रही हूँ आपको। तो वेस्ट साइज़ हमारा हो गया है 22। इसे भी इसी तरह मैं 4 बार फोल्ड करूँगी टेप को, तो यहाँ पर हमारा वेस्ट साइज़ के 4th पार्ट मिल जाएगा। ये जो है 4th पार्ट निकालने का सबसे इजी मेथड है, आप टेप लीजिए और उसे बस 4 फोल्ड करते जाएं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 4th पार्ट मिलने के बाद में 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। अब उससे आप 3 से 4 इंच नीचे लीजिए हिप साइज़ के लिए। हिप साइज़ हमें लेना है यहाँ पर, हिप साइज़ हमारा जो है हमारी बेबी का आ रहा है टोटल 26 इंच। आपके बेबी का या आपका जितना भी हिप साइज़ हो आप उतना ले, और उसका भी 4th पार्ट निकाल ले। तो 4th पार्ट निकालने के बाद में यहाँ पर 4th पार्ट आ गया हमारा 6.5 इंच, 6.5 इंच। उसे भी यहाँ से हम पहले मार्क करके एक पॉइंट बना लेंगे और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फिटिंग के लिए, सॉरी मार्जिन ले लेंगे हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ भी एक लाइन बना लेंगे। आप देखिए यहाँ पर चेस्ट है, वेस्ट है, उसके बाद में हिप साइज़ है। हिप साइज़ लेने के बाद में अब हमें नीचे एक 5 से 6 इंच नीचे में एक मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग हम करते हैं हमारा जो बिलो हिप आता है, हमारा हिप के नीचे से हिस्सा जो आता है उसकी हमें फिटिंग लेना है। तो आप जब मेजरमेंट ले तो बिलो हिप का भी मेजरमेंट ले लीजिए। तो बिलो हिप की भी मैंने उसी तरह से 4th पार्ट करके मार्किंग की है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब जो हमारी टोटल लेंथ आ रही है 34 आ रही है हमारी बेबी की,
और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, तो उसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी ताकि वो सिलाई में कवर हो जाए। अब हमें सभी जो पॉइंट्स हैं अंदर वाले भी बाहर वाले भी उसे बस एक शेप देकर मिलाते जाना है। हल्का हल्का कर्व शेप देते जाए आप। सबसे मेन जो होता है हमारा मर्मेड गाउन का जो फिश कट गाउन का लुक आता है वो हिप साइज और बिलो हिप साइज से आता है। तो जो हिप साइज है आप उतना ही नीचे घेर में मार्किंग करें और 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा आप आगे लीजिए। अगर आपको घेर बहुत ज़्यादा चाहिए नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा घेर वैसे होता है इसमें नीचे, तो आप जितना कपड़ा है आपका लास्ट तक के घेर ले लीजिए। इससे क्या होता है आपके जो मर्मेड गाउन है वो नीचे से जितनी फ्लेयर आएंगी ना उतना अच्छा लुक आता है। और अक्सर होता है कि इसमें कपड़ा कम होने की वजह से है ना हम कली भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों ही मार्किंग को नीचे से ऊपर तक के एक लाइन बना ली है। अब आप 1 इंच नीचे छोड़ के इसे कर्व बना लीजिए ताकि जो हमारा घेर है वो कोने की तरफ से लटके ना और ये एक शेप में आ जाए। अब यहाँ पर हम नेक की भी मार्किंग कर लेंगे। तो 2 इंच पे मैं यहाँ पर हमारी नेक की विड्थ होती है जो चौड़ाई वो लूँगी और लंबाई जो होंगी हमारे नेक की गहराई जो होंगी वो 4 इंच होंगी। ये फ्रंट के लिए हमारा जो नेक है फ्रंट के लिए। बैक के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो हम पहले बैक नेक की कटिंग कर लेंगे उसके बाद में हम फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो बाहर वाले साइड जो हमारा है मार्किंग उस पर हम बिल्कुल कटिंग कर लेते हैं ऐसे ही। पहले हम बाहर के साइड का जो आर्म होल है उसे कट करते हैं और उसके बाद में हम अंदर के साइड का करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ, पहले हम चेस्ट साइज लिए, वेस्ट साइज लिए, फिर हिप लिए और उसके बाद में हमने लिया है बिलो हिप साइज। ये बिलो हिप साइज तक के आपको फिटिंग लेना है, उसके बाद से आपको जितना घेरा है नीचे का बॉटम घेर जो आएगा उसे बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और ज़्यादा से ज़्यादा घेर हो तो और बेहतर है। यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम जा रहा है तो इसमें मैं बचे हुए फैब्रिक से कली जोड़ लूँगी और घेर बढ़ा लूँगी। आप इसे बड़ों पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, ये पार्टी वेयर गाउन बन जाती है और बहुत ही अच्छा लुक देती है और इसमें आपका फिगर भी बिल्कुल बहुत अच्छा लुक देता है। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग करके जो है अलग कर ली है, तो अब नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। साइड की कटिंग करने के बाद में पहले हम बैक साइड का नेक कट कर लेते हैं। अब हम दोनों ही जो हमारी साइड है फ्रंट और बैक साइड अलग कर लेते हैं और फ्रंट साइड का भी नेक हम गहराई से कट कर लेते हैं और आर्म होल को भी हम कट कर लेंगे गहराई में। ये बहुत ही सिंपल और कम टाइम में स्टिच होने वाली हमारी मर्मेड गाउन है और बहुत ही अच्छा लुक देती है, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं पहनने के बाद में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके कि किस तरह हमारा जो है कटिंग कंप्लीट हो चुकी है मर्मेड की। ये फ्रंट साइड है हमारा और ये आ गया हमारा बैक साइड। अब हमारे पास जो फैब्रिक बचा है उससे हम स्लीव्स निकाल लेते हैं पहले। तो स्लीव्स निकालने के लिए यहाँ पर छोटी सी हमें हाफ स्लीव्स निकालना है, तो इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड और कपड़े के हिसाब से हमें स्लीव्स निकालना पड़ेगा। तो पहले एक्स्ट्रा का जो हमारा नीचे फैब्रिक है उसे कट करके किनारे कर लेते हैं और फिर स्लीव्स का हम शेप दे देते हैं और स्लीव्स कट कर लेते हैं हाफ स्लीव्स।
सेंटर पॉइंट दे देंगे हम, कट कर लेंगे ताकि स्लीव्स लगाते टाइम हमें सेंटर मार्किंग मिलती रहे। ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ पर कटिंग होकर तैयार हैं। अब कटिंग तो हमारी रेडी है, अब बचा हुआ जो हमारा फैब्रिक है उसके लिए हमें यहाँ पर दो कलियाँ लगानी है। फ्रंट में लगाएंगे हम सिर्फ, बैक में नहीं लगाएंगे। अगर बचा फैब्रिक तो आप लगा सकते हैं, और मैंने पहले भी बताया है कि आप अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो लास्ट तक के घेर लीजिए। तो जो हमारा बिलो हिप है उसके नीचे से बिल्कुल हम यहाँ पर कली ज्वाइन करेंगे। बिलो हिप से ही हमें कली ज्वाइन करना है, हिप के पास से हमें कली नहीं ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कलियाँ लगाने के बाद में हमारा जो फ्लेयर है, नीचे घेर है, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इससे हमारा जो है बहुत ही अच्छा गेटअप आएगा हमारी मर्मेड गाउन का। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पर कलियाँ जोड़ लेनी है। तो हम एक सीधे फैब्रिक पे कली को उल्टा रख के इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम प्रेस सिलाई भी लगा लेंगे ताकि हमारी जो कली है वो अच्छी तरह से पक्की हो जाए और ये खुले ना बाद में। जिस तरह हमने एक साइड कली ज्वाइन की है उसी तरह हम दूसरे साइड भी इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये कली मैं सिर्फ घेर बढ़ाने के लिए ही लगा रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप घेर को पहले से ही एक्स्ट्रा कट करें, लास्ट तक के कट करें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड में जो है दोनों कलियाँ लग के रेडी हो गई है। अब हमारा नेक बनाना है, तो नेक के लिए बनाने के लिए मैंने प्लेन जो है फैब्रिक, ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है और उसे 2 इंच की पट्टी कट कर ली है। आप ओरेप कट करें, आप अगर इस तरह से पट्टी लगा रहे हैं तो ओरेप से जो है नेक अच्छी तरह से कर्व में आ जाता है। तो यहाँ पर पट्टी लगा लेंगे हम, और बैक साइड में भी हमें इसी तरह से पट्टी लगा लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। क्वार्टर इंच का आप मार्जिन देकर गला तैयार कर लीजिए पट्टी के साथ। अब उसके बाद में हमें कट्स लगाने हैं ताकि इजीली हमारी जो है ये पट्टी हमने लगाई है वो अच्छी तरह से इजीली पलट सके। तो हम सभी तरफ से जहाँ पर भी हमारा नेक का कर्व आ रहा है वहाँ पर हमें कट लगा लेना है। कट्स लगाने के बाद में बस हमें अब सिंपली फोल्ड करने और उस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा नेक जो है सिलाई लगाने के बाद में इस तरह से दिखेगा और अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा जो है नेक तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सिलाई भी लगा लेती हूँ। ये देखिए हमारा फ्रंट का नेक जो है तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर सेम साइज़ की पट्टी कट की है ओरेप शेप में, जिससे हमारी जो है पट्टी इजीली तैयार हो गई है गले की। और कट्स भी लगा लिए मैंने यहाँ पर। कट्स लगाने के बाद में अभी इसे भी हम पहले हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे फ्रंट और बैक के। तो फ्रंट का हमने जो है शोल्डर इसके बैक नेक पे रख दिया है और उसके बाद में हम इसे डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा शोल्डर के पास से कपड़ा बाहर दिखता है वो अभी नहीं दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर पट्टी लगाने के, पट्टी को फोल्ड करने के पहले पहले आपको शोल्डर ज्वाइन करना है, जिससे हमारा गले के पास से जो शोल्डर का एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आता है वो नहीं दिखेगा। इस तरह हम इस साइड भी शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ पर अब मैं बताती हूँ, ये बैक साइड का हमारा जो नेक है उसकी पट्टी अभी हमने फोल्ड नहीं की है अंदर, सिर्फ इसे हम ज्वाइन किए थे, उसके बाद में हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन किया। अब देखिए आप यहाँ पर हम पट्टी को इस तरह जमाएंगे कि ये जो कपड़ा है हमारा ये बाहर नहीं आएगा, ये पट्टी के साथ ही अंदर दब जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है नेक तैयार हो चुका है। अब स्लीव्स हमें लगानी है, तो स्लीव्स के लिए पहले हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं नीचे से हाफ हाफ इंच की, और फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स में। तो बच्चों को अक्सर ये जो है हमारा टिकली का वर्क है इसमें, तो चुभेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर पट्टी यूज़ कर रही हूँ जिससे फिनिशिंग भी आ जाएंगी और ये बच्चों को जो है प्रॉब्लम भी नहीं होंगी पहनने में। तो पट्टी को हम पहले नीचे रखेंगे और उसके बाद में इस तरह पलटाकर एक फोल्ड करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रेचेबल कपड़ा है, वैसे भी हमें ये फोल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती तो पट्टी लगाना इजी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पट्टी लगा ली है आस्तीन में भी, और दोनों ही स्लीव्स जो है हमारी आस्तीन बनके तैयार है। तो बस अभी हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, शोल्डर हमारा आर्म होल है, आर्म होल में हम स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे दोनों ही स्लीव्स को। इस तरह से आप घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा जमा जमा के स्लीव्स को ज्वाइन कर लीजिए दोनों ही स्लीव्स। पहले हम सेंटर पॉइंट जो है उस पर ही हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे स्लीव्स रख के, और थोड़ा थोड़ा सरकाते जाएंगे और स्लीव्स की सिलाई लगाते जाएंगे। अब स्लीव्स को हम पलटेंगे और उस पर डबल सिलाई करते हुए वापस से सेंटर पॉइंट पे आएंगे, और फिर दूसरे साइड का हमारा बैक साइड का जो स्लीव्स और आर्म होल है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दोनों स्लीव्स मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर ली हैं, तो आप देख सकते हैं स्लीव्स भी हमारी लग के तैयार हो चुकी हैं, नेक भी तैयार है। अब हमारा जो है बस फिटिंग की बाकी है, तो यहाँ पर मैं बैक साइड पे फ्रंट साइड को इस तरह पलट दूंगी और हम पीछे की तरफ से यानी कि उल्टे साइड से फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के टाइम आपको ध्यान देना है कि कली हमने पीछे नहीं लगाई है, सिर्फ फ्रंट पे हमने कली लगाई है, सामने ही घेर बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। तो एक साइड देखिए आप फिटिंग की हमारी मार्किंग है, दो दो इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो इस साइड से भी हम दो दो इंच एक्स्ट्रा छोड़कर मार्किंग कर लेंगे। शेप जिस तरह से हमारा मर्मेड गाउन का है उसी तरह से शेप देते जाएंगे, और बस हमें दो दो इंच यहाँ पर मार्किंग करना है। अब यहाँ से हमें बस सीधी सिलाई देनी है, बिलो हिप के पास से हमें सीधी सिलाई करते हुए हाफ इंच पे नीचे ख़त्म कर देना है। अब स्लीव्स की हमारी जो चौड़ाई है वो 4 इंच लेना है हमें, तो 4 इंच पे मार्किंग करके हम आर्म होल के पास से फिटिंग मिला देंगे। अब हमारी जितनी भी मार्किंग है उसके ऊपर से ही हमें बस सिलाई लगाना है, और सिलाई लगाने के बाद में अब जो हमारा नीचे का बॉटम घेरा है उसे पूरा राउंड में, जो हमारा राउंड है पूरे राउंड में हमें बस सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी मर्मेड गाउन बनकर तैयार हो चुकी है, और देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, बिल्कुल मर्मेड शेप आ रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लुक दे रही है मर्मेड गाउन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।